महाभारत की फूट से भाग्य भारत का फूटा, पाखंड और अंधविश्वास में धर्म से नाता टूटा। जो धर्म सुख का हेतु था, भव सिंधु का जो सेतु था, लोगों ने बनाया अब उसे कलह का केतु है। कलह का केतु बना करके रख दिया उस धर्म को, जो धर्म सुख का सेतु था, भव सिंधु का जो हेतु था। मैं निवेदन करने लगा हूं कि इस वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, इस वैदिक धर्म को बचाने के लिए आर्य समाज के विद्वानों ने, आर्य समाज के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर इस हिंदू जाति के नौजवानों को विधर्मी होने से बचाया। कौन थे वे लोग जो वैदिक धर्म के दीवाने थे, ऋषि के मिशन के धुनी थे, पागल थे, दीवाने थे? वे कौन थे वे लोग जिन्होंने बहुत सारे लोगों को विधर्मी होने से बचाया? याद आती है उनके जीवन की कहानी, अपने लहू से लेख राम तेरी कहानी लिख गया। तूने ही लाला लाजपत शेरे बबर बना दिया। याद करो उस पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी को जिसकी आज स्वर्ण जयंती है, जिसने ऋषि कुल को आगे बढ़ाने के लिए, जिसने वैदिक धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी। कैसे होते हैं आर्य, कैसे होते हैं वैदिक धर्म समर्पित आर्य? तो पथिक जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां दी लिखी और हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या गजब की पंक्तियां हैं। वैदिक धर्म समर्पित आर्य, वैदिक धर्म समर्पित आर्य कैसे होते हैं? लेख राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं। वैदिक धर्म समर्पित आर्य कैसे होते हैं? लेख राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं। लेख राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं। वैदिक धर्म समर्पित आर्य कैसे होते हैं? लेख राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं। लेख राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं। कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होता है, निज कर्तव्य निभाते दिल में खेद नहीं होता है। जैसे अंदर है बाहर भी, जैसे अंदर है बाहर भी वैसे होते हैं। लेख राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं। वैदिक धर्म समर्पित आर्य कैसे होते हैं? लेख राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं। लेख राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं। रहती है सच्चाई इनके ऐसे जीवन में, रहती है सच्चाई इनके ऐसे जीवन में। चेहरा साफ नजर आता है जैसे दर्पण में, जैसे एक रुपये में, जैसे एक रुपये में सो ऐसे होते हैं। लेख राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं। लेख राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं। वैदिक धर्म समर्पित आर्य कैसे होते हैं? लेख राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं। मन धन से जन जन की हरते हर पीड़ा,
एक राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं, वैदिक धर्म समर्पित आर्य कैसे होते हैं, एक राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं। राहों में विपरीत दिशा भी रोक नहीं पाती है, कठिन परीक्षा की अग्नि में आँच नहीं आती है, राहों में विपरीत दशा भी रोक नहीं पाती है, पथिक कहीं भी हो जैसे के, पथिक कहीं भी हो जैसे के तैसे होते हैं, देख राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं, देख राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं, वैदिक धर्म समर्पित आर्य कैसे होते हैं, देख राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं, देख राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं, देख राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं। वैदिक धर्म समर्पित आर्य कैसे होते हैं, लेख राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं। कभी ऋषि भक्त लेख राम के जीवन को उठा करके पढ़ना, महीनों महीनों बाहर रह करके वेद का प्रचार किया करते थे। एक दिन की घटना है, महीनों के बाद में घर लौटे हैं और जैसे ही भोजन सामने आया ना उनके, वैसे ही माँ ने पत्र भी दे दिया और उस पत्र को भोजन को छोड़ करके पत्र पढ़ने लगे और उस पत्र में लिखा था कि लेख राम जी जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आकर के नौजवानों की रक्षा कर लो, ये विधर्मी बनने के लिए तैयार है। मौलवी ने शास्त्रार्थ के लिए ललकार दिया है। कभी लेख राम के जीवन को उठा करके पढ़ना, भाई की मृत्यु हो गई, चिरागदीन नामक मौलवी ने शास्त्रार्थ के लिए ललकारा, तो अपनी भाई की मृत्यु पर नहीं गए लेख राम, सीधे जाकर के उस शास्त्रार्थी से शास्त्रार्थ किया। ऐसी ही घटना है ये भी, भोजन की थाली आ गई आगे, उसमें लिखा था कि कुछ नौजवान मुसलमान बनना चाहते हैं, लेख राम जी जल्दी आकर के इनके प्राणों की, इनके जीवन की रक्षा करो। तो धर्म प्रेमी बंधुओं चल पड़े हाथ धो करके, वैसे ही माँ आगे आ गई। माँ ने कहा, क्या तुझे मेरी याद नहीं आती, क्या तुझे पत्नी से प्रेम नहीं है, तू अभी आया और अभी चल पड़ा। तो पंडित लेखराम ने कहा, माँ मुझे जाना होगा, आज बहुत सारे लोग नौजवान वैदिक धर्म को छोड़ना चाहते हैं, वैदिक धर्म की रक्षा के लिए मुझे आज जाना पड़ेगा। तो माँ ने एक बात कही कि बेटा चल, हमारी खैर खबर नहीं लेता ना ले, पर एक बार अपने पुत्र को देख ले, बड़ी तेज बुखार है, बड़ी तेज बुखार है, एक बार अपने पुत्र को दवाई तो दिलवाता जा। इतिहास के पन्ने उठा करके पढ़ना आप, पुत्र मोह हर व्यक्ति को हिला देता है। कभी राजा दशरथ से पूछना कि पुत्र मोह होता क्या है, वन को गए हैं अकेले नहीं गए राम, लक्ष्मण जैसा भाई, भगवती सीता साथ में है, पर राजा दशरथ वन में भेजने के लिए तैयार नहीं है। मुनि विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए लेने के लिए आए तो ये कहा, राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते मैं राम के बिना ना जी सकूंगा। दूसरी ओर महात्मा सिद्धार्थ को देखना, राजा सिद्धार्थ जो महात्मा बुद्ध बने, वैराग्य चढ़ गया, वैराग्य राजपाट को छोड़ करके चलना चाहते हैं, याद आया, अरे तेरा एक बेटा राहुल भी तो है,
तू अनंत पथ का राही है, एक बार उसकी सूरत तो देख ले, तो स्वयं को देवी के कक्ष में खड़ा होया पाया। दूसरी ओर महाराणा प्रताप को देखना कि पुत्र मोह क्या होता है, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, पुत्र मोह जिससे राजा दशरथ को मरते देखा है, पुत्र मोह मानव की कोमल रेखा है। छोड़ ना पाए थे प्रताप भी जिस दुर्बलता को, लेख राम तुम जीत गए उस दुर्बलता को, लेख राम तुम जीत गए उस दुर्बलता को। बीमार पुत्र को छोड़ चला जाति के लाल बचाने को। जिस ट्रेन में सवार होकर के लेखराम चले हैं ना, वो ट्रेन छोटे स्टेशन पर नहीं रुकती थी, पर अपने प्राणों की जान लगा करके, बाजी लगा करके उस स्टेशन पर कूद गए। हाथ पांव छिल गए, खून बह रहा था, दौड़े दौड़े वहां पर गए, तो वहां पर एक जो है मुखिया मिला। उस मुखिया से पूछा कि तुम्हारे ये हाथ पैर कैसे छिले हुए हैं, कैसे तुम कहां से भागे हुए आ रहे हो। वो सारी की सारी घटना कह डाली कि मैं अपने पुत्र बीमार को छोड़ करके मैं यहाँ पर जो है ट्रेन से कूद करके यहाँ पर शास्त्रार्थ के लिए आया हूँ। तो उस मुखिया ने कहा था कि लेखराम, जब तक तुम जैसा ऋषि भक्त, तुम जैसा विद्वान इस धरती पर मौजूद है, तब तक कोई भी जो है विधर्मी नहीं बनेगा, कोई भी विधर्मी नहीं बनेगा। और उस समय पर अनेक नौजवानों को विधर्मी बनने से किसने बचाया? पंडित लेखराम ने बचाया। और सुबह को पत्र पहुंच गया कि तुम्हारा पुत्र चल बसा, तुम्हारा पुत्र चल बसा। तो एक बात कही कि मेरा इकलौता बेटा मर गया तो क्या हुआ, मैंने सैकड़ों लाल जाति के बचा लिए हैं, मैंने सैकड़ों लाल जाति के बचा लिए हैं। आर्यो, बहुत बड़ा बलिदान पंडित लेखराम का है, और पंडित लेखराम का ही नहीं, उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी का भी बहुत बड़ा बलिदान है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की और वेदारंभ संस्कार हो रहा है। स्वामी समर्पणानंद जी का नाम आप सभी लोगों ने सुना है। उसमें भिक्षा मांगी गई तो उस देवी ने जो है 2000 रुपए थे, उस समय पर बड़े संपत्ति होती थी, वो 2000 रुपए झोली में डाल दिए स्वामी समर्पणानंद जी की। स्वामी श्रद्धानंद जी ने इतनी बड़ी राशि देखी तो उस देवी के पास में जाकर के कहने लगे, देवी इससे तुम्हारा जीवन यापन होगा, सबसे ज्यादा आवश्यकता तो इन पैसों की तुम्हें है। पर उस देवी ने कहा कि मेरे इन पैसों से अगर कोई बच्चा जो है विद्वान बन गया, वो राष्ट्र की सेवा करेगा, वो समाज की सेवा करेगा, उसी पैसों से जो है स्वामी समर्पणानंद जी की शिक्षा हुई, वो विद्वान बने। और अनेकों बार प्रवचनों में ये कहा करते थे कि उस देवी के दान से, उस देवी के इस बलिदान से मैं विद्वान बन गया। धर्म प्रेमी बंधुओं, उस पंडित लेखराम ने वैदिक धर्म के लिए पेट में छुरे खाए, पर इस वैदिक धर्म का संदेश कोने कोने तक पहुंचा दिया। और दूसरी ओर पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी को भी देखिएगा, क्या गजब का ऋषि भक्त था। अंतिम समय में ऋषि के जीवन को देख करके काया पलट गई, जीवन बदल गया। घर आते ही, आज उनकी जयंती है इसलिए मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं, और मैं तो यदा कदा करता ही रहता हूं, क्योंकि वो बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत गजब की मेधा बुद्धि थी उनकी। सत्यार्थ प्रकाश को के विषय में लिखते हैं कि सारी संपत्ति बेच करके भी यदि इस पुस्तक को खरीदना पड़ता तो मैं खरीदता, ऐसा व्यक्ति था ये गुरुदत्त विद्यार्थी। जिस पुस्तक को एक बार पढ़ लेना, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। पर सत्यार्थ प्रकाश के विषय में कहते हैं कि जब जब मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, मुझे नई बात मिली है। घर आ गए ऋषि दयानंद जी की लीला को देख करके, तो आर्य समाज के जो 10 नियम हैं
उन 10 नियमों को 2 कपड़ों पर लिखवा करके एक को आगे टांग लिया, एक को पीछे टांग लिया। घर से बाहर जाना चाहते थे कि देवी आकर के खड़ी हो गई। देवी ने कहा, है पतिदेव, ये क्या हाल बना रखा है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। तो गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने कहा कि पगली, तू नहीं जानती, अब मैं ऋषि के चरणों में ये जीवन समर्पित करके आ गया, अब कोई क्या कहे मुझे इस बात की चिंता नहीं है, अब तो मैं ऋषि के मिशन को आगे बढ़ाऊंगा, अब तो मैं ऋषि का काम करूंगा। कृण्वन्तो विश्व मार्यम का नारा लेकर के घर से निकल गए। और उस समय पर एक बहुत बड़े विद्वान थे, स्वामी अच्युतानंद जी, जिसका ऋषिवर दयानंद जी के साथ में शास्त्रार्थ हुआ, पराजित होकर के पराजय को स्वीकार नहीं किया। गुरुदत्त विद्यार्थी ने सोचा, ये उपनिषद का बहुत बड़ा विद्वान है, अगर ये व्यक्ति आर्य समाज में आ जाए, नवीन वेदांत को मानने वाले थे, अगर उस मठ को छोड़ करके आर्य समाज में आ जाए, आर्य समाज का काम करे, तो दुन दुगनी चौगनी उन्नति आर्य समाज करेगा। बस ये धुन सवार हो गई और स्वामी अच्युतानंद जी के पास में शिष्य बनकर उपनिषद पढ़ने के लिए गए। उपनिषद पढ़ा करते थे, रात के 2-2 बजे तक चर्चाएं हुआ करती थी। एक दिन पुत्र दौड़ करके आया और ये कहने लगा, तुम्हारा पुत्र बीमार है, चल करके उसको देख लो। तो गुरुदत्त विद्यार्थी ने कहा, कोई बात नहीं, परमात्मा की कृपा से वो ठीक हो जाएगा। अगले दिन फिर सेवा में उपस्थित हो गए। घोड़े और बग्गी को लेकर के उनको घुमाया करते थे, उनकी सेवा किया करते थे। तो स्वामी अच्युतानंद जी ने पूछ लिया, पंडित गुरुदत्त, पुत्र की देखभाल में इतनी शिथिलता क्यों है, ये जानना चाहता हूं मैं। तब उस समय पर पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने जो बात कही थी, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि उस बात को गांठ बांध करके ऋषि के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। बताएं क्या कहा था गुरुदत्त विद्यार्थी ने, कि स्वामी जी, तुम जानना चाहते हो तो सुनो, मेरे पास में 2 कुल हैं, एक ऋषि कुल है और एक पितृ कुल है। पता नहीं बड़ा होकर के आर्य समाजी मेरा पुत्र बनेगा कि नहीं बनेगा, और यदि आर्य समाजी बन भी गया तो पता नहीं आर्य समाज का काम करेगा कि नहीं करेगा। पर स्वामी जी, मेरा पितृकुल चले चाहे ना चले, पर मेरा ऋषि कुल चलना चाहिए, मैं ऋषि कुल के लिए आपको मांगने आया हूं, मैं अपने ऋषि के काम को आगे बढ़ाने के लिए तुमको मांगने के लिए आया हूं, तुमको लेने के लिए आया हूं। आहा, उस अच्युतानंद जी ने स्वामी गुरुदत्त विद्यार्थी की ऋषि के प्रति जो श्रद्धा थी, जो समर्पण था, उसको देख करके इतने प्रभावित हुए, सन 1888 में आर्य समाज की वेदी पर आकर के कहते हैं कि मुझे आर्य समाज में गुरुदत्त विद्यार्थी की अतः योग्यता और उनका ऋषि दयानंद के प्रति जो प्रेम है, वो समर्पण है, वो खींच करके लाया है। अरे दुनिया के लोगों, जिस जो ऋषि दयानंद जी से पराजित होकर के जिसने पराजय को स्वीकार नहीं किया था, वो गुरुदत्त विद्यार्थी के आगे पराजित हो गया, ऋषि दयानंद के सिपाही के आगे पराजित हो गया, ऋषि दयानंद के सिपाही के आगे पराजित हो गया। पंडित चमूपति जी ने पूछा अच्युतानंद जी से, ये कहा कि स्वामी जी, आपका मेरे दयानंद जी के साथ में, गुरु के साथ में शास्त्रार्थ हुआ था, जरा उस शास्त्रार्थ की कुछ चर्चा तो करो। तो अच्युतानंद जी देखो क्या कह रहे हैं, कि मैं रेशमी वस्त्रों को पहन करके हाथी पर सवार होकर के आगे आगे बाजे बजते गए, लोग पुष्प बरसाते गए, राजा ने माला डाल करके मेरा सम्मान किया, लोगों ने, नर नारियों ने ताड़ियों की गड़गड़ाहट से मेरा सम्मान किया। तो पंडित चमूपति ने बीच में रोक करके कहा, स्वामी जी, मेरे दयानंद जी की चर्चा करो, मेरे ऋषि की चर्चा करो। तो जब ऋषि की बात आई तो पता है क्या कहा स्वामी अच्युतानंद जी ने, ये कहा कि उसके साथ में कोई चेला नहीं था, कोई चेली नहीं थी,
उसके तन के ऊपर रेशमी वस्त्र नहीं थे, किसी ने दो पुष्पों की माला डाल करके उसका सम्मान नहीं किया था। अगर कोई उसके साथ में था तो एक ईश्वर का सहारा उसके साथ में था, और ये कह करके फपक फपक करके रो पड़े अच्युतानंद जी।